देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम सेकंड में रहता है। ये लीटर ऊपर जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, तो ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर गैसियस रिएक्टेंट है, ठीक है, गैसियस वहाँ पे अगर सब्सटेंस इन्वॉल्व है, तो जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करते हैं एटीएम में, और टाइम तो सेकंड में ही रहेगा। तो गैस है, गैस में ये यूनिट रहता है एटीएम पर सेकंड माइनस वन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें यू हैव टू फाइंड एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस एनओ एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस ओ टू। ठीक है, क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या है, ये जो रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखो, ये हो जाएगा -1/4, दिस इज डेल्टा एन एस थ्री अपॉन डेल्टा टी। जो भी रिएक्टेंट है उसके सामने क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है क्या एक्सप्रेस करता है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस कर सकता है, करता है चेंज को। ठीक है, तो दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डेल्टा टी, एंड जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के सामने आता है माइनस, और नीचे आता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट मतलब जो आपका सब्सटेंस है उसके सामने जो लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे चार लिखा है, इसके सामने पाँच लिखा है, उसी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशियंट। ओ टू के केस में भी यही होगा, -1/5 ओ टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। एनओ के केस में भी यही होगा, बट ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा 1/4, दिस इज डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज +1/6 एच टू। तो ये जितने भी है, ये चारों के चारों टर्म ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर अपने को ये पता करना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ, आर ओ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ, तो ये हो जाएगा, इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाना है आपको, इसको सिंपली लिखना है, सबसे पहले तो मॉड लगाना है, इसमें मॉड भी मत लगाना, ठीक है, ये अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा ये, ठीक है, इसमें मॉड और मत लगाना। दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनओ डिवाइड बाई डेल्टा टी, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, देखो एनओ अपियर क्यों हो रहा है और ओ टू डिसअपियर क्यों हो रहा है, तो इसका कारण यह है कि एनओ जो है, देखो एनओ जो है वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा मतलब अपियर होगा, इसीलिए प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट का होता है रेट ऑफ अपियरेंस, इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, प्रोडक्ट का होता है रेट ऑफ अपियरेंस, और रिएक्टेंस का होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, आर ओ डी। ठीक है, और जब ऐसा रेट ऑफ अपियरेंस या डिसअपियरेंस लिखते हैं, तो वहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि हमने यहाँ निकाला था, ये रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था, यहाँ पे लिया था, तो उसको यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसको लिख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक रिएक्शन है N2+3H2, और इससे बनता है 2N3। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर्स इन 1 मिनट। तो ये क्या दिया है, अमोनिया बन रहा है, दिख रहा है अपने को, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, 2 मोल्स ऑफ N2 डिसअपियर्स इन 1 मिनट। इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो जाएगा, 2 मोल्स डिवाइडेड बाई 1 मिनट। ठीक है, और इसमें अपने को फाइंड करना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ठीक है, डिसअपियर होगा H2 क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट जो है वो अपियर होगा, इसीलिए रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट होता है, आर ओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपियरेंस किसका, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका, अच्छा आपको वॉल्यूम ऑफ वेसल भी दिया हुआ है, मैं शायद इसको लिखना मैं भूल गया हूँ शायद, ठीक है, इसमें शायद वॉल्यूम ऑफ वेसल का शायद शायद ज़रूरत ना पड़े, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का तो सिंपल है लिखना है, इसको हम लिख देंगे ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा N2, अच्छा सबसे पहले ये क्या निकाला है, सबसे पहले हमने निकाला है रेट ऑफ
रेट ऑफ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मोल्स ऑफ एन टू डिसअपियर्स। तो सबसे पहले हमने लिखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एन टू, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये क्या हो रहा है, ये दो मोल्स जो है, दो मोल्स एक मिनट में क्या हो जा रहा है, दो मोल्स एक मिनट में डिसअपियर हो जा रहा है, ठीक है। अब ये 1 लीटर कहाँ से आया, तो ये वेसल का क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर, ठीक है, ओके। तो 1 लीटर में से दो मोल जो है वो पर एक मिनट में क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। अब इसको मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। ये तुमको जो डेटा दिया हुआ है, टू मोल्स ऑफ एन टू डिसअपियर्स इन 1 मिनट, ठीक है, तो ये बेसिकली तुमको क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एन टू। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एन टू हम लोग लिख लेंगे, दिस इज चेंज इन कंसेंट्रेशन, तो कितना चेंज हो रहा है, तो 2 मोल हो रहा है 1 लीटर में, मोल्स पर लीटर होता है कंसेंट्रेशन, और टाइम का यूनिट तो कितना टाइम में हो रहा है, तो 1 मिनट में हो रहा है, 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 1 और ये 30 टाइम्स, तो ये आएगा -1/30 मोल्स पर लीटर सेकंड टू द पावर -1। इसमें लॉन्ग मोड लगाने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये जो चीज़ है ये डिसअपियर हो रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट, अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया है कि दिस इज ये आपका रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा, इसके इसके सामने तो कुछ नहीं है, तो डेल्टा एन टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। 3 के सामने कितना है, स्टोइकोमीटर कोफिशियंट 1/3 है, बट चूंकि वो रिएक्टेंट है तो इसके सामने आ जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस क्यों आता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है, तो ये नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाता है, अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। NH3 के सामने प्लस लगेगा क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो दिस इज -1/1 एंड दिस इज 1/30 मोल पर लीटर सेकंड टू द पावर माइनस 1/30 मोल सेकंड टू द पावर -1। ये कहाँ से आया, तो ये आया देखो, ये आया आपका यहाँ से, अपने को N2 का पता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये अपने हमने निकाला यहाँ पे, ये देखो ये आया -1/30, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टी, तो ये नेगेटिव रखा है पहले यहाँ पे, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, -1/30, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, पॉजिटिव आया, और इसका यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एच टू, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एच टू, क्योंकि एच टू जो है वो एक रिएक्टेंट है, ठीक है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गायब हो जाएगा। अब रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखने का तरीका क्या होता है, तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एच टू क्या हो जाएगा, दिस वन डेल्टा एच टू डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अभी अपने को पता नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अपने को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/3 दिस वन, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को मिल गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन है 1/30 दिस मच। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1/30 को इसके इक्वल रख देंगे, देखो ये इसके इक्वल नहीं है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इस पूरे के इक्वल है, ठीक है, तो इसके इक्वल रखेंगे इसको, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 3 इधर चला जाएगा 3, और ये 1/10 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव आया, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, घटती है, इसलिए ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अपने को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया मतलब ये क्वांटिटी, ठीक है, तो ये क्वांटिटी अपने को निकालनी है। इसके लिए भी हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू +1/2 दिस मच, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, इसको हम लोग यहाँ पे उठा के रख देंगे, अपने को अमोनिया से मतलब है। रेट ऑफ रिएक्शन ने निकाल लिया कितना, 1/3 है, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 1 जा, ये 50 टाइम्स कर जाएगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना आएगा, 1/15, और ये पॉजिटिव आया क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस किसी चीज़ का, वो पॉजिटिव आएगा, और डिसअपीयरेंस नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे कम हो रही है, और अपीयर मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसलिए पॉजिटिव वो नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो दिस इज अगेन 2 N2O5, इसमें पूछा है इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2, ये दिया हुआ है, ROA अपीयरेंस ऑफ मतलब दिस इज डेल्टा NO2 डिवाइड बाई DT इज दिस मच, तो यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये तो बहुत आसान है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा, पहले इसके टर्म्स में लिखते हैं क्योंकि इसका डेटा अपने को दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा +1/4 एंड डेल्टा NO2 डिवाइड बाई डी टी डेल्टा टी, ठीक है,
इसकी वैल्यू अपने की दी हुई है, इसकी वैल्यू रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2, ठीक है। तो 2 से 2 बढ़ जाएगा, ये आएगा 1/2 और ये आएगा 0.5 मोल्स लीटर सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये आर ओ आर निकल गया, उसके बाद हम लोग आर ओ डिसअपीयरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डिसअपीयरेंस कैसे निकालेंगे, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये हो जाएगा -1/2 डेल्टा एन टू ओ फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। दिस, ठीक है, अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ओके, फिर यहाँ पे जो नेगेटिव है, ठीक है, इसको नेगेटिव रहने देना, मैंने पॉजिटिव कर दिया था, और ये इसको भी, इसको हटा देना, मॉड को भी हटा देना, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस निकालते समय अपने को मॉड नहीं लगाना है, ठीक है। अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा वो। तो देखो ये एन टू ओ फाइव क्या है, एन टू ओ फाइव इस केस में क्या है, इस केस में ये एक रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, कम होती है, और कम होगा तो इसीलिए ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे माइनस था, माइनस आ जाएगा तो क्या आएगा, -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड टू द पावर -1, ठीक है। तो आपको इससे कठिन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आएंगे तो इसी टाइप के ही आएंगे, एवरेज वाले में। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे पहले हम लोग लिखते हैं 2a + 3b + 4c, तो इसमें डेल्टा की जगह आपको क्या लिखना है, डेल्टा की जगह आपको डी लिख देना है। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो डी होगा ये ब्रैकेट के बाहर होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये तरीका सही है, डी डी इस ब्रैकेट के बाहर होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही नेगेटिव प्रोडक्ट के सामने क्या लगेगा, -1/2 डेल्टा जगह डी लग जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि मान लो आप यहाँ से कोरबा जाते हो, ठीक है, आप कोरबा गए, आपको जाने में लगा 30 किलोमीटर, जाने में आपको लगते हैं आप 2 घंटे में पहुंचे, ठीक है। 30 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचे, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे के पूरे रास्ते आप इसी रफ्तार से गए होगे, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर मैं पूछता हूँ कि मान लो कि आप मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछता हूँ कि मान लो 20वें सेकंड पे, 20वें सेकंड, 20th सेकंड, 20वें सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, तब वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी। तो बस वही फिनोमेना इसमें भी है, वही फंडा इसमें भी है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है कितनी है। तो एक्चुअली टाइम इंटरवल जब छोटा कर देते हैं हम लोग, तो वहाँ पे डेल्टा की जगह आता है डी आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको लिख देते हैं, साइन वैसे ही रहते हैं। आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी, तो ये कम होगी तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे सामने माइनस लगाते हैं इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट के सामने तो प्लस आता है, क्योंकि ये इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। अब ओके, तो ये जो है, ये टॉपिक है इंस्टेंटेनियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो मान लो कि सबसे पहले तो एक चीज जानो कि ग्राफ दिखेगा कैसे। तो मान लो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लिखते हैं, मान लो सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है, रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट लिखना है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, तो ये ऐसे 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 कम होता है, कम होते जाता है, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। तो प्रोडक्ट ग्राफ कैसे दिखता है, तो प्रोडक्ट ग्राफ जो है वो ऐसे दिखता है ये, और आखिरी में जाके कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अपने को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लो ये ग्राफ है, दिस इज अवर ग्राफ, और अपने को इस पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर टेंजेंट खींच देंगे, ठीक है। ये टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है, इसका जो स्लोप है, वही अपने को क्या बताएगा, वही अपने को बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ओके, दिस स्लोप इज, देखे यहाँ पे लिख लेना, दैट टेंजेंट टू दिस स्लोप, ठीक है, टेंजेंट टू द स्लोप, द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा चीज, अब इस स्लोप को लेना कैसे है, तो स्लोप हम जब हम निकालते हैं तो हमेशा हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं, इस तरीके से, ऐसे,
ठीक है, स्लोप इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लाइन मतलब ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इधर जाओगे तो नेगेटिव एक्सिस हो जाएगा, तो एंगल जो रहते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच का एंगल ही क्या होता है, इसका स्लोप होता है। ठीक है, अगर मान लो ग्राफ अगर ऐसे होता, इस तरीके से ग्राफ होता, ठीक है, इस पर अगर टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा आएगा कुछ समथिंग लाइक दैट, फिर इस पर एंगल निकालेंगे हम ऐसा करके। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज आवर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली इफ दिस इज थीटा देन टेन थीटा इज आवर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं निकालते कैसे हैं। ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें, इसका भी जरूरत पड़ेगा। दिस इज वाई वन बाई टू डी ए बाई डी टी एंड ये दिस वन। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, एन टू प्लस थ्री इज टू हो जाएगा टू एन एस थ्री। ठीक है, इसमें अपने को फाइंड करना रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एन टू। ठीक है, ये सभी आपको कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ एन टू। डिसअपेयर होगा एन टू क्योंकि क्या है, वो रिएक्टेंट है। तो ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ किसका बना हुआ है, एच टू का बना हुआ है। ठीक है, तो क्या हम लोग और डी एच टू फाइंड कर सकते हैं क्या, तो यस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो दूसरे सेकंड पे इसका कंसंट्रेशन है 10 और चौथे सेकंड पे है 6। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10। देखो जब डीए निकालेंगे, डीए का मतलब क्या, सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो आप लोग लिख लोगे अभी तक। ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब उसके बाद जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच टू लिखोगे जब, तो फाइनल माइनस क्या करोगे, इनिशियल करोगे। तो ये फाइनल है चौथे सेकंड पे, दूसरे सेकंड पे कितना था, दूसरे सेकंड पे था 10, तो दिस इज 6 माइनस 10 और टाइम हो जाएगा 4 माइनस 2, तो दिस इज -4/2 और ये -2 ही आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होता है, इसीलिए उसका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो आपको ये पता चल गया, दिस क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें ये कितना आया, -2 आया, -2 इंटू -1/3, तो दिस विल बी अवर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दिस विल बी पॉजिटिव 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड टू द पावर -1। ओके, अब अपने को निकालना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एन टू। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एन टू मतलब डी एन टू डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ देखो दिस ये दिया हुआ है आपको, ये जो चीज़ है दिस दिस टर्म, ये टर्म इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के, तो इसको इक्वल रख दो रेट ऑफ रिएक्शन के। तो रेट ऑफ रिएक्शन है अपना 2/3, ये नेगेटिव इधर चला जाएगा तो ये आएगा -2/3 मोल पर लीटर, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि एन टू धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के साथ कम होगी, इसलिए ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये दिया है आपको, 2p+3q और ये r, और यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ r। r यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो इस टर्म में आएगा, लेकिन इसमें से कोई भी क्वांटिटी आपको दी हुई नहीं है। अब हम लोग एंगल से निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल से कैसे निकालेंगे, तो dq/dt, देखो ये जो है दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ q विथ टाइम। ठीक है, q के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम लोग dq/dt निकाल सकते हैं। dq/dt कैसे निकालेंगे, तो dq/dt इज इक्वल टू टेंजेंट, मतलब स्लोप, इसका स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, तो ये एंगल नहीं होगा, आपको ये एंगल लेना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स के साइड से लिया जाता है। ठीक है, लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स की तरफ से। ठीक है, तो ये 135, तो 10 135 का वैल्यू होते हैं -1। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि क्यू क्या है, क्यू इज रिएक्टेंट। ओके, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, अब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, आपको इसकी वैल्यू पता चल गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 और dq/dt की वैल्यू कितनी, -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, रेट ऑफ रिएक्शन आया पॉजिटिव 1/3 मोल पर लीटर सेकंड टू द पावर -1। ठीक है, इसके बाद आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर भी निकालना है, ये तो इसके डायरेक्टली इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इक्वल है, तो ये आंसर आपका आएगा 1/3 ही आएगा। ठीक है, 1/3 मोल पर लीटर सेकंड टू द पावर -1। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो दिस इज 2a+b इज इक्वल टू 3c, तो आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन एट 5th सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड एट 5th सेकंड। ठीक है, अब 5th सेकंड मतलब आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑल्सो फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ए डिसअपियर होगा क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट है, एट एट अगेन 5th सेकंड। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यू हैव गिवन दिस एंगल, अगर ये 30 होगा, एंगल इस तरफ से लिया जाता है, दिस इज 150, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो, अब तो समझ में आ गया अब तक। ऑल्सो दिस dB/dt, ये जो दिया हुआ है, दिस ग्राफ इज रिलेटेड विद बी। ठीक है, dB/dt कितना हो जाएगा, तो टेंजेंट ऑफ द स्लोप, स्लोप का टेंजेंट का 1 10 150, 10 150 की वैल्यू हो जाएगी -1/√3, तरीके से आप निकाल सकते हो।
ठीक है। ऑल्सो दिस आप देखो, आपको आपके पास डीबी अपॉन डीटी की वैल्यू आ गई। ये देखो, ये जो चीज़ है किसके इक्वल है, ये इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। ओके ये वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आया -1/√3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 1/√3, एंड दिस इज मोल पर लीटर टू द पावर -1 सेकंड टू द पावर -1। ऑल्सो डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, तो ये आपको डी ए बाई डी टी निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू ये पूरा टर्म उठा लो, आप जो निकालना है वो उठा लो यहाँ से। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2। तो देखो टू इधर ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -2। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 1/√3, दिस इज नेगेटिव ऑफ 2, सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 2/3। ऑल्सो ए क्या है, ए रिएक्टेंट है, तो ये धीरे धीरे कम होगा, इसलिए ये नेगेटिव आएगा। दिस इज मोल पर लीटर टू द पावर -1 सेकंड टू द पावर -1। डन आज के लिए।